हाय, सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक. अभी हम लोग पढ़ रहे थे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट. तो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, पूरा फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस था. यू कैन वॉच इन माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो. सो नेक्स्ट टॉपिक इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. आई जस्ट टोल्ड यू अर्लियर, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स दो दैट पार्ट काइंड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एनिमल्स या प्लांट्स, एनी ऑर्गेनिज्म, जस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच depend on others for their food. Like we depend on others, we depend on plants and animals for our food. Our body can't make our food. जैसे कि green plants करते हैं ना, खुद खाना बनाते हैं, अपने photosynthesis की हेल्प से खुद खाते हैं. लेकिन कुछ plants जो heterotrophic mode of nutrition में आते हैं, कुछ animals भी जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, they depend on others. तो first इसमें आता है insectivorous plants. ये तो सबने सुना ही होगा, insectivorous plant cartoons में used to see. एक ऐसा प्लांट है, अगर आप उसके पास जाओगे तो वो आपको ट्रैप कर जाएगा और आपको खा लेगा. ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं, yes, it happens. Insectivorous plants हैं. अब क्या प्रोसेस क्या होता है पूरा, what is the process? जिस प्रोसेस के हेल्प से insectivorous plant पूरे इंसेक्ट को खा जाता है. अब क्या होता है, द फर्स्ट थिंग इज लीव्स. उसकी जो लीव्स होती है पिक्चर होती है, कैप्चर कर लेती है. जैसे कोई प्लांट, जैसे ही आपका प्लांट है, लीव्स है, पिक्चर प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जैसे ही इसके पास कोई इंसेक्ट आता है, क्लियर है, इंसेक्ट आया, इट विल ट्रैप, जल्दी से पकड़ लेगा इंसेक्ट को और जल्दी इसको अपने अंदर ग्रैब कर लेगा. क्लियर है, समझ आ रही है. लीव्स में तो पिक्चर कर लिया, प्लांट को ग्रैब कर लिया, क्लियर. नेक्स्ट टॉप पार्ट जो होता है लीव का, ये वाला टॉप पार्ट, इट विल एक्ट लाइक लेड. लेड क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग. क्लोज है अभी, कोई इंसेक्ट उड़ के आया, फ्लाई करके या चल चल के आया प्लांट पे, ये जल्दी से ओपन हो जाएगा और वो जैसे ही इंसेक्ट उसके अंदर जाएगा इसको ट्रैप कर लेगा. इज इट क्लियर. जैसे ही टॉप पार्ट लेड पे आया, इंसेक्ट अंदर गया. नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही टॉप, अब इंसेक्ट तो अंदर चला गया, देन व्हाट विल हैपन, कोई भी चीज, फूड हम खाते हैं, डाइजेस्ट होता है ना, तो वो पिक्चर प्लांट में जब इंसेक्ट जा रहा है, ऑब्वियसली बात है, तो वो भी डाइजेस्ट होगा. वो कैसे डाइजेस्ट होगा, उसमें जो पिक्चर के अंदर जो हेयर होते हैं वो ट्रैप करके उसको अंदर लेके जाते हैं. हेयर जो कुछ छोटे से हेयर होते हैं वो ट्रैप करते हैं इंसेक्ट को अंदर ले गए. कैप्चर होने के बाद होता है वहां पर डाइजेशन, डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं. डाइजेस्टिव जूसेस कुछ भी हो सकते हैं, HCl होते हैं मेनली, तो हमारा निकला और उस इंसेक्ट को पूरा डाइजेशन में उसको यूज कर लिया अपनी बॉडी. क्लियर, फर्स्ट पार्ट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. नेक्स्ट इज पैरासिटिक प्लांट्स. पैरासिटिक प्लांट्स, पैरासिटिक प्लांट्स मीन्स दो, जैसे एक प्लांट है उसमें कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया रहता है. जैसे कि आप किसी के घर में रहते हो, इफ यू आर रेंटिंग ऑन समबडीज हाउस, घर तो किसी और का, बट आप रह रहे, राइट. ऐसे ही कोई प्लांट है, वो एक होता है उसमें होस्ट, दूसरा होता है पैरासाइट. होस्ट जो मेन प्लांट है, जिसका वो घर ही है, जो वो प्लांट है. पैरासाइट जो उस प्लांट के अंदर रह रहा है, जैसे कि कोई भी इंसेक्ट्स हो सकते हैं. कुछ आपने देखे कुछ छोटे इंसेक्ट्स, अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में सॉइल में छोटे छोटे चींटियां और इंसेक्ट्स नजर आते हैं, तो वो सारे क्या हुए, वो पैरासाइट्स हुए. और होस्ट क्या हुआ, आपका जो मेन प्लांट है. इज इट क्लियर. तो पैरासिटिक प्लांट्स, इसमें एक होस्ट होता है और एक पैरासाइट जो डिपेंड करता है होस्ट पर हर एक चीज के लिए. खाना भी वो होस्ट का लेगा, क्लियर है, उसकी लीव्स खाएगा, जो भी उसको करना है, उसी की सॉइल पर रहेगा, उसकी प्लांट पर ही रहेगा, सब कुछ वो होस्ट से लेगा. तो पैरासाइट डिपेंड्स ऑन होस्ट, हर तरह से होस्ट पर डिपेंड करता है पैरासाइट, क्लियर. नेक्स्ट है आपका सेप्रोफिटिक प्लांट्स. अब सेप्रोफिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, कुछ एनिमल्स कुछ होते हैं जो डिकेइंग फूड पर सर्वाइव करते हैं. जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ ब्रेड मोल्ड. देखिए, कभी ब्रेड खाए, ब्रेड खाते हो आप, ब्रेड रख दी बहुत दिनों तक, रखी हुई है, जब आप देखते हो तो उस पर ग्रीन कलर के फंगस भी कुछ नजर आते हैं, राइट. तो ऐसा होता क्या है कि मतलब क्यों इस तरीके से, आई मीन सेप्रोफिटिक प्लांट्स में क्या है कि दे यूज टू सर्वाइव ऑन डीकेइंग मैटर. अब ब्रेड तो खराब हो चुकी है, खत्म हो गई है, अब उस पर कहते हैं सर्वाइव कर रहे हैं. तो उसमें फर्स्ट प्रोसेस है सीक्रेट डाइजेस्टिव जीसेस. अब कोई ब्रेड रखी है बहुत टाइम से, या कोई खाना रखा हुआ है बहुत दिन का फ्रिज में, या फ्रिज के बाहर बड़े हुआ, खराब हो जाता है, स्मेल आने लगती है, वो आती इसी वजह से, क्योंकि उस पर बैक्टीरिया और जर्म्स बर्न कर जाते हैं. वो कैसे करते हैं, खाना रखा हुआ है खराब, उस पर इंसेक्ट्स आया, उन्होंने उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस अपने सीक्रेट करने शुरू कर दिए, ठीक है. डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट हुए, सीक्रेट होने से क्या होता है, अब वो जो पार्ट था, फूड था, वो डीके होने लग गया, वो सड़ने लग गया, खराब हो गया वो, राइट, उनके डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से. नेक्स्ट है
जूस कन्वर्ट इनटू मैटर. अब डायजेस्टिव जूस जो था सिर्फ फूड पर जो उन्होंने डाला वो मैटर में कन्वर्ट हो गया. क्लियर है? मतलब कोई भी चीज मैटर में कन्वर्ट हो गई है, खाने की कोई भी चीज है. अब जैसे ही वो मैटर में कन्वर्ट हुई, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे उसमें से जो उस सैप्रोफिटिक प्लांट या एनिमल को चाहिए, वो प्लांट और एनिमल. क्लियर है? अब जैसे ही वो जूस मैटर में कन्वर्ट हुआ, मैटर में कन्वर्ट होने का मतलब है न्यूट्रिएंट्स मिलने लग जाएंगे अब उस एनिमल को या प्लांट को, जो भी सैप्रोफिटिक एनिमल एंड प्लांट्स है. क्लियर है? सो फर्स्ट, सो थर्ड वन इज द सैप्रोफिटिक प्लांट एंड एनिमल. नेक्स्ट फोर्थ वन इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. नाम से कुछ समझ में आता है, सिम्बायोसिस मतलब कोई दो लोग हैं एक दूसरे से शेयरिंग कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ रह भी रहे हैं. इज इट क्लियर? सी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, टू लिव टुगेदर एंड टू शेयर द शेल्टर. ओके, साथ में रहते भी हैं और साथ में एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं. जैसे आपके सिबलिंग्स होंगे, आपके भाई बहन, दे यूज टू बी लाइक कि मैं इसकी ये काम तभी करूंगा जब ये मेरा ये काम कर देंगे, ऐसा होता है ना. तो उस वाले मोड ऑफ रिलेशनशिप में सिम्बायोसिस आती है. अगर कोई प्लांट में कोई एनिमल या कोई ऑर्गेनिज्म, सॉरी, कोई बैक्टीरिया अगर रह भी रहा है तो वो बदले में प्लांट को कुछ ना कुछ जरूर देगा. क्लियर है? कैसे? इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है एल्गी एंड फंगस का. एल्गा क्या करता है, एल्गी एक आपने देखा होगा ग्रीन कलर का फंगस, मैंने भी समझाया ब्रेड के ऊपर फंगस आ जाता है, राइट? तो उसमें ये दो चीजें होती हैं, एल्गी एंड फंगस. एल्गी क्या करती है, प्रोवाइड करती है फूड किसको, फंगस को. और फंगस इन रिटर्न क्या दे रही है एल्गी को, शेल्टर, शेल्टर, वाटर, मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट. इज इट क्लियर? मतलब इस रिलेशनशिप में एल्गा दे रहा है खाना फंगस के लिए और फंगस वापस में क्या दे रहा है इसको, शेल्टर दे रहा है, वाटर दे रहा है एंड मिनरल्स दे रहा है. क्लियर? दोनों एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में रहते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं फूड की भी और शेल्टर की भी. इन दोनों को कंफ्यूज बिल्कुल मत करिएगा, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक. पैरासिटिक में एक सिंगल होस्ट होता है और एक पैरासाइट. पैरासाइट डिपेंड करता है होस्ट पे, लेकिन इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एल्गी एंड फंगस दोनों एक दूसरे के पास ऊपर डिपेंड करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं. इट क्लियर? सो आई विल मूव अ बिट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए. विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक.